इसमें कई रोजे, एक रोजा, तीन रोजे और सात रोजे। सात रोजे छठे इमाम से इशारा, पहला वही बता रहे कि मेरा मौला बोला कि इस महीने में सात रोजे, कैसे? जुमेरात, जुमा, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ये तीन रोजे। उसके बाद इसे रोजा अजीब अल्लाह की बात है कि जो अल्लाह को हर इबादत पसंद, ये तो बहुत पसंद। अगर कोई सात रोजे रखेगा रजब, उसके लिए जहन्नम, प्लीज व्हाट से, जहन्नम के सेक्टर से सात दरवाजे, जिससे लोग जहन्नम में जाएंगे। आप इजी मत लो जहन्नम। इसके लिए बार बार हमारे पास रिवायतें हैं, कुरान की आयतें हैं कि किस तरह क्या हालत होगी लोग जो जहन्नम में जाएंगे। यानी आप मेरी टॉपिक को जहन्नम में, सात दरवाजे जहन्नम के, जो रजब में सात रोजे रखेगा उसके लिए वो दरवाजा अल्लाह बंद कर देगा। सात रोजे रखने से जहन्नम के दरवाजों को अल्लाह बंद कर। दूसरी चीज, जो एक रोजा भी रखेगा, एक रोजा, अल्लाह उसको जन्नत की वो नहर रजब, उस रजब की नहर का वो पानी पिएगा। अब मैं आपको यहां गुड न्यूज देता हूं। एक मिसाल के तौर पर मैं एक रोजा रखा, मासूम कह रहे कि जो एक रोजा भी रखेगा अल्लाह उसको जन्नत की वो नहर रजब की, जो नहर नाम के रजब है, उसकी उसका पानी पिएगा। तो एक चीज की गारंटी तो हो गई कि मैं जन्नत में जाऊंगा। रजब के महीने में बेहतरीन आमाल में ये सात रोजे या एक रोजा, और इसी रजब में 27 रजब की शबे मेराज में वो एक रोजा 60 इयर्स के रोजे के बराबर, एक रोजा 60 साल के रोजे के बराबर, वो चार बड़े रोजों का एक रोजा जो रजब में आने वाला। और जो इसमें सबसे बड़ी तारीख आने वाली है वो 13 रजब, इंशाल्लाह उसमें मिलाद होगा 12 रजब, 13 रजब, ये सबसे बड़ी रात। इसलिए प्लीज मेरे जुमले गौर से सुनो, 13 रजब की रात वो दुनिया में आया, 13 रजब की सुबह को, 13 रजब की, सब जानते वो आया कि जिसकी वजह से कायनात की तकदीर बदली। सिर्फ काबे की तकदीर नहीं बदली, सिर्फ हमारी तकदीर नहीं बदली, ये वो आया कि जो मौलाए कायनात है, जिसकी वजह से पूरी कायनात, वो नहीं पूरे आलमीन की तकदीर को बदलने वाला, शय बदलती नहीं तासीर बदल जाती है, या अली कहते ही तकदीर बदल जाती है, ये मेरे मौला की विलादत का, वो भी 13 रजब में आएगा। उसके बाद 13th, 14th, and 15th रजब, ये तीन बड़े रोजे हैं, याद रखना। अगर तुम्हारे साल भर के जो ऑप्शनल या आबिद बिलग्रामी की जुमले नहीं, किताबों में जाके देखो, 13, 14, and 15 रजब, ये अमले उम्मे दाऊद की रोजे रखे, 15 रजब को अमले उम्मे दाऊद करना, ये वो अमल है कि पहाड़ अगर तुम्हारे सामने भी है, ये मैं नहीं बोल रहा, ये मासूम इमाम के जुमले है कि अगर पहाड़ भी तुम्हारे सामने रहेगा, इसको एक्सेप्ट करो, इसको एक्सेप्ट नहीं करो, डजंट मेक एनी डिफरेंस, पहाड़ भी रहेगा तो ये अमल के बाद पहाड़। ये 13, 14, 15 रजब इज सो इंपॉर्टेंट, ये इतनी इंपॉर्टेंट बात कि इंसान सोच भी नहीं सकता।